चलें क्या? अरे वो कितना जरूरी काम है, चलो जल्दी खत्म कर लेते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है सर? अरे अच्छे काम करने के लिए कोई टाइम नहीं देखा जाता। ठीक है मैं बैग लेके आता हूँ। तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लेके आ गया। मैं जरा नहा के आता हूँ। मौसम यहाँ पे इतना गर्म है और नहाने के लिए ठंडा पानी दिया है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे पानी में भी दिख रहा है, मेरा बस चले ना तो मैं इसको मार डालूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा इसको। मुंह धो लेता हूँ। गया क्या? अरे बाप रे चला गया, कपड़ा गीला हो गया। पापा जब तक वो घर में है उसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये उसे पता चल गया है, इसीलिए वो नाटक कर रहा है। आओ पापा उसको बाहर खींच कर मार देते हैं। हमारे तन मन में बसा हुआ है संस्कार, अब उसका अपमान करके हम अपने आप को नाराज नहीं कर सकते। विधि का विधान बहुत मजबूत होता है। सूरी बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जिस दिन तुम्हारे चाचा जी की बरसी है, उसी दिन उसकी मौत भी निश्चित है, तब तक उसे खेलने दो। प्रणाम असुरुद्र आदित्यांतर्गत भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत मंत्राक्ष देहा के पूजे माड़े वासुदेव प्रद्युम्न ऊहाक्रे पूजे माड़े प्रसुरंत का श्राद्ध कर्म करिष्यमाणा महेंद्रियाना आत्मशुद्ध्यर्थम गृहशुद्ध्यर्थम दांतजाशुद्ध्यर्थम द्रव्य। क्या हुआ बॉस? कुछ नहीं बस थोड़ा डर गया। लगता दो घंटे नहाया आया तो वो क्या है कि यहाँ मौसम गर्म है और नहाने के लिए ठंडा पानी मिला तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो अब ठीक है ना? अभी तक तो नहीं, हो जाएंगे। वैसे सर आज इस घर में इतने लोग क्यों हैं? वो आज हमारे छोटे मामा जी का श्राद्ध है। ओ, बेचारे। अच्छा वैसे कब चल बसे ये? उनको गए हुए बहुत साल हो गए, जात पात के झगड़ों में मर्डर हुआ था, उसकी वजह से हमारे मामा जी आज भी बदले की आग में जल रहे हैं। ये एक लंबी कहानी है, आप जाइए। अरे सर इस हाल में भला मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। मैं आपको बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि फोटो को नमस्कार करने के लिए बोल रहा हूँ, जाइए। कोई बात नहीं सर, मैं यहीं से हाथ जोड़ लेता हूँ। अरे वहाँ जाकर कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप भी चलिए ना। अरे हम सबका हो गया, आप जाइए। राजेश बेटा जाइए, आप चलोगी?
सुनमित्तम इंद्रा जल्दी आओ मंत्रेण चतुरस्तमण्डलं कृत्वा ताम्रपात्रं संस्थाप्य इमं मे गंगे यमुने सरस्वती स्थोमं सचता परिष्ण्या असिक्षामरुध्वदे वितत्तयार्जिकीये शृणुष्या सुषोमायां। चलो अच्छा ये तो नहीं घूर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्यों उछल कूद मचा रहे हो, शांति से बैठो ना। अब सब लोग अपनी आंख बंद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। आत्मा को शांति मिलेगी लेकिन उस परिवार के सभी लोगों को मारकर मेरे भांजे की आत्मा को शांति मिलेगी। दादाजी अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गए? अगर ये अभी भी चाकू लेकर इतनी डेरिंग कर सकते हैं तो जवानी में क्या किया होगा। ए देसाई, और कितने साल इंतजार करवाओगे? वो समय बहुत जल्द आने वाला है, अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, आप सब्र कीजिए। आप शुरू कीजिए। तुमसे एक बात बताऊं, बिल्कुल सच साबित होगी, वो रामू जो है ना यहीं पे सेटल हो जाएगा एक समय। तुम थोड़ी देर शांत रहोगी क्या? तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता है। राजेश, राजेश बेटा कहाँ गायब हो गया है तू? राजेश बेटा मैं यहाँ नहीं हूँ, बोलते बुआ ये यही पर है। देखा, मैंने कहा था ना वो हमारी अनीता के साथ ही होगा। मुझे पता था लक्ष्मी, जहाँ मिठाई होगी चींटी भी वही होगी। हाँ अनीता बेटी, तू मेरे घर बहू बनकर कब आएगी? अब मेरे हाथ में क्या है, राजेश राजी होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, तुमने कहा था कि पढ़ाई खत्म होने तक वो मना कर रही है शादी से। अभी यहाँ लड़की तैयार है और तू मना कर रहा है। अब पढ़ाई का और आपके घर आने का क्या संबंध है बताइए। देख ले सुन ले इसकी बात, कितनी अकल की बात कर रही है और तू एकदम गधा का गधा ही रहा। और क्या बोलूं मैं, आप यहाँ पे मुझे डांट रहे हैं और वहाँ बड़े मामा जी अकेले बैठे हुए हैं, आप जाइए तो उनके पास, उनके बारे में सोचा नहीं आपने, जाइए ना। हाँ तुमने सही कहा बेटा, जाइए ना, जाइए जाइए। बात यह है बेटा कि अरे माँ आप भी आप जाकर के किचन में मदद कीजिए प्लीज, जाइए जाइए। पैर फिसल गया, थोड़ी सी मोच आई है। अरे रुकिए जरा, रुक गया। बेटे ने क्या कहा समझ में आया आपको? वो आपको आपके भाई से बात करने के लिए कह रहा है। अरे श्राद्ध के समय ये सब पूछना ठीक होगा क्या? श्राद्ध देखते रहोगे तो आपके बेटे की शादी करते करते वो आपकी उम्र का हो जाएगा, कब शादी करोगे उसकी? इस समय वो सब भाई साहब से नहीं, सूरी मेरी पार्टी का है, मैं उसी से बात करता हूँ, देखना तू। ये तो पकड़ कर बैठ गए। आपने मुझे बुलाया क्या? ए, बेटा एक मिनट इधर आना, वहाँ जाकर बैठिए मामा जी। नहीं मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम जरा हटो यहाँ से। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो वो यहाँ आकर कुछ इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। एक बार कहा तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, जाके वहाँ बैठिए। पता नहीं कभी से समझ में आएगा, बेचारे नाराज होकर चले गए, थोड़ी भी इज्जत नहीं है। सुनिए क्या हुआ जी, आपका मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है जी? अरे वहाँ जाकर देखो, किसी अनजान को अपने गोद में बिठा कर मुझे कहीं और बैठने को कह रहा है, वो मिनिस्टर है या गवर्नर है? अच्छा अब ये कौन आ गया जी? राजेश वो लड़का कौन है? पिताजी वो जो वहाँ बैठा है वो अनिता का दोस्त है। अच्छा सुनिए, पंच लोहा पात्र मंगवाइए। हाँ मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। अरे यहाँ से कैसे निकलूँ मैं? यहाँ हमें थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। अनिता जी, अनिता जी, हा? वो बाहर पंडित जी ने पंचा लोहा पात्र मंगवाया है। देख रही हो ना तुम, ये लड़का वहाँ क्या कर रहा है उसके साथ? अरे वो पंचा पात्र है। मैं लेकर आती हूँ। मैं भी आता हूँ, बेडरूम में है। कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा।
सुना तुमने, ये दोनों तो बेडरूम में जाने की बात कर रहे हैं। अरे ये सब मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, मेरी जिंदगी है या जुआ है भगवान। पांच पंचलोहा पात्र। ए भैरव, ए भैरव। बोले भाभी। दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? बाहर जाकर लकड़ी लेकर आना है, मुझे खाना बनाना है, जल्दी से आओ। आ रहा हूँ भाभी। भाई इसका जरा ख्याल रखना। आता हूँ। आपकी तबीयत कैसी है चाची जी? थोड़ा सा बुखार है। दवाई चाहिए आपको? अगर आपको दवाई चाहिए तो बता दीजिए, मैं किसी को भेज देती हूँ। सर तो बहुत गर्म है आपका। नहीं नहीं, थोड़ी देर रुकिए, मैं किसी से दवा भिजवाती हूँ आपके लिए। दवाई लानी है क्या? मैं लेके आता हूँ। सूरी यहीं थे तू? डॉक्टर से पूछकर दवाई ले और जल्दी जल्दी जाओ बेटा। हाँ जा रहा हूँ। घर में बहुत सारे मेहमान हैं, इसी वजह से तू बच गया। एक बार पूजा खत्म हो जाने दे, उसके बाद में तेरी मेहमान नवाजी करूँगा। फूल और केला लेकर आ जाओ। ठीक है मैडम। ठीक है, घर में से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सुनील तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए कह रहा हूँ। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि घर मेहमानों से भरा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, इनके जाने के बाद ये घर पूरा खाली हो जाएगा ना। वो सब तो पता है, लेकिन जो आए हैं उसे जाना ही होगा ना। वापस ये लोग अनीता की शादी में आएंगे। वो कब है शादी? हम लोगों से ज्यादा जल्दी तो लगता है अनीता की शादी की जल्दी तुम्हें है बेटा। नहीं वो तो बस ऐसे ही है। राजेश और अनीता मान जाए तो दोनों की शादी आज ही हो जाएगी। प्रमिला। हाँ आई जी। राजेश और अनीता शादी के लिए मान जाएंगे तो आज ही एंगेजमेंट हो जाएगी, मतलब कोई भी घर छोड़कर नहीं जाएगा।